पक्ष की अमावस्या के चलते आज हर की पौड़ी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। अमावस्या पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है, ऐसे में पुण्य का लाभ लेने के लिए सुबह सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे। पितृपक्ष का समापन होने पर तीर्थ पुरोहित मनोज त्रिपाठी ने कहा कि पितृमोक्ष अमावस्या का दिन पितरों के तर्पण श्राद्ध कर्म करने के लिए विशेष माना जाता है और इस अमावस्या के दिन तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस बार पितृ मोक्ष अमावस्या के साथ में शनिश्चरी अमावस्या का भी शुभ संयोग बन रहा है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। सोलह दिन से हमारे घर में पधारे हुए पितृ थे, आज उनके विदाई का समय है। आज उनको मुंह मीठा करके विदा करते हैं। जिन लोगों से पूरे श्राद्ध पक्ष में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, देश काल परिस्थिति पर श्राद्ध छूट गया हो या कोई तिथि उनके मन से उतर गई हो और वो श्राद्ध न कर पाए हो, वो लोग भी आज अपने ज्ञात अज्ञात भूले चुके पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध आदि करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और पितरों के निमित्त आज मिष्ठान मिठाई ध्यानों को देना और ब्राह्मणों को देना और गाय को खिलाना पितृदोष से तो मुक्ति देगा ही देगा, निश्चित आपको सफलता भी जीवन में देगा। प्रशासन बड़ा सहयोगी है इस मामले में। हमारे यहाँ पुलिस की बड़ी अच्छी व्यवस्था रखी जा रही है। बाहर सारे द्वार से लेकर और किनारों तक जीरो जोन बना दिया गया है ताकि बड़ी गाड़ियां ना आए और श्रद्धालुओं को मंदिर आने में कोई दिक्कत ना हो। अंदर भारत हमारे मंदिर के स्वयंसेवक और हमारे निजी सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि जो सकुशल आ रहे हैं और सकुशल ही वो चले जाएं, भीड़ कम से कम हो, जितनी जल्दी हो सके लोगों को विदा कर रहे हैं।